जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ, इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा अपडेट हुआ है और ये अपडेट आपका जो फरवरी और जनवरी से हो गया था। दोस्तों क्या ये अपडेट हुआ है और काफ़ी भाइयों को नहीं पता है क्या अपडेट हुआ है, क्या हमको जो प्रोसेस वहाँ पर हुआ था वो हमें करना है नहीं करना है। दोस्तों आज हम आपको सब कुछ बता देंगे, वीडियो पूरा देखना। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भाई देश की रक्षा करना चाहता है, इंडियन आर्मी में लगना चाहता है, तो वो वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो ओपन वाला बंदा हो चाहे रिलेशन वाला बंदा हो। दोस्तों आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ, जिसको आप कर रहे थे और जिसके चलते आप अनफिट हो रहे थे, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जा रहा था, रास्ता दिखा दिया जा रहा था, तो आज हम आपको बताएंगे आपको क्या वो गलती थी जिसको आप करके जा रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जो आपका डीएससी का सर्टिफिकेट है, काफ़ी भाई हमसे पूछते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई जो ये डीएससी सर्टिफिकेट चलेगा, वैलिड रहेगा, क्या रहेगा, तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, जो आपका डीएससी का सर्टिफिकेट होता था वो कुछ समय के लिए वैलिड रहता था, ठीक है। और अब दोस्तों जो आपका ये जनवरी से या फरवरी से मान लो चल ही नहीं रहा है, काफ़ी भाई बोल रहे थे पहले, भाई दो तीन बंदे मेरे पास मैसेज आया था, किसी ने बताया था कि भाई जिसके पास डीएससी का सर्टिफिकेट है उनको रिलेशन भर्ती में नहीं लिया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डीएससी का जो आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है उसको जमा कर देना है। उसको क्या करना है, उसको आपको जमा कर देना है, और आपके जो फादर का सेंटर था जिसमें आपके पिताजी ने ट्रेनिंग की थी, तो उससे आपको अपना रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, डीएससी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बता दिया था कि भाई डीएससी का चल जाएगा, पर भाई उस समय क्या था कि भर्ती बंद थी। और अब जो ये अपडेट निकला है ये जनवरी से है, पर हमको कंफर्म इस टाइम पता चला है जिस टाइम आपको बता रहे हैं। तो आपको करना क्या, जो आपका डीएससी का सर्टिफिकेट है उसको जमा कर देना है, और जो आपके पिताजी का सेंटर था, आपके पिताजी ने वहाँ से जो ट्रेनिंग की है वो ही सेंटर आपका होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पिताजी ने 3ME सेंटर में ट्रेनिंग की थी, तो मेरा सेंटर 3ME है, तो उसी से आपको अपना फादर जो रिलेशन सेंटर है उसी से अपना रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी है, मुझे आप तक पहुंचानी थी, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अब क्या है कि आगे चल के आपकी भर्ती आने वाली है, काफ़ी भाई भर्ती में जाने वाले हैं, और जिसके चलते भाई जिनके पास डीएससी का सर्टिफिकेट है और काफ़ी भाई वापसी भी आएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है ये काम अपना जो लॉकडाउन है उसमें करवा लें, बनवा लें। ट्रेनें अभी बंद हैं, पर फिलहाल जो रिजर्वेशन हो रहे हैं एक डेढ़ महीने पहले अपने सेंटर का करवाएं, और वहां से तुरंत जाके रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा के आपको लेके आना है। ये अपडेट आप तक पहुँचाना हमारी बहुत बड़ी जानकारी है, प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पर सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद वंदे मातरम।